हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आर बी गेमिंग एचडी और स्वागत है आपका रोहित शर्मा कैरी मोड के नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो मैच है, ये लीग है हमारी, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि तीन ही मैच बचे हैं हमारे और हमको दो मैच जो है इनमें से एटलीस्ट जीतने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें से अगर हम ये मैच मुकाबला जीतते हैं तो दो में से कोई एक जीतना जरूरी होगा हमारे लिए। तो चलिए जी, टॉस से जीत चुके हम बैटिंग का निर्णय करेंगे। भाई बॉलिंग बहुत ही गति, मतलब बिल्कुल अनलगी है हमारी। अगर हम पहले गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग अच्छी है और बैटिंग में अच्छे रन बनाती है रोहित शर्मा शुरू से। तो चलिए जी, ये पुष्पा गेंदबाज है, कोई आया है और चलिए चौके के साथ शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा खुश हूँगा नहीं। कम से कम जो है यहाँ पे मुझे को 50 रन तो करने हैं और ये भी निकल जाएगा, ये टारगेट है हमारा इस मैच में। चलिए नेक्स्ट बॉल, और ये भी शॉट तो अच्छा है, कहीं कैच ना कैरी हो जाए। यहाँ पे प्लेयर दूर रहेगा, चार और मिल जाएगा, तीन चौके। ओ नॉट आउट है भाई, रिव्यू नहीं लिया। रिव्यू क्या मतलब, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, क्या रिव्यू लेंगे ये लोग। और ये ले लिया यार इन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि शायद ये करीबी मामला हुआ। अब भाई बहुत स्विंग, बचे अंपायर्स कॉल, हालांकि वहाँ पे था लेकिन मिसिंग की वजह से बच गए हम यहाँ पे। चलिए अब इसका पूरा फायदा उठाना होगा जीवनदान का। ये 6 नहीं 4 ग्राउंड बहुत बड़ा यार, ये चौके लग रहे हैं। तो चलिए जी, आई थिंक सज्जत पटेल जो है वो आए गेंदबाजी के लिए और इनको जड़ा है पहला छक्का इस मैच का। ओके, ये भी शॉट तो अच्छा ही है, चार इस पर भी मिल ही जाएगा। ओके, 27 में पहुंच चुके हैं हम। ये LBW का पूरा चांस है अगर हम मिस कर जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग थोड़ी कच्ची, 4 रन मिल जाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट गेंद, चार नहीं, थोड़ी स्पीड कम है, बिल्कुल सिंगल आएगा। ओहो, क्या ही तारीफ करें इस शॉट की, हम खड़े खड़े खेला है, लॉफ्ट 6 रन ऑफ साइड की तरफ। अरे अरे अरे, ये तो स्लॉट में थी, तो पार्किंग लॉट में भेजना बनता था इस गेंद का। वो देख रहे हो स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ गया यहाँ पे अब रोहित शर्मा का। आई थिंक 16 गेंदों में पे थे और अब देखिए 12 अगली 6 गेंदों में 50 पूरा कर लिया भाई, 384 के स्टैंडर्ड से खेले हम। तो जब भी बैटिंग पहले करते हैं रोहित शर्मा और तब ये बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तब ये चलते हैं 4 छक्के इन अ रो। लेट्स सी इज इट 5th, और बिल्कुल 5 छक्के इन अ रो। अगर उस पर सिंगल ना होता पहली गेंद पे तो 6 छक्के इसमें लगाने के चांस थे हमारे। चलिए जी, नेक्स्ट गेंद, और भाई हेलीकॉप्टर शॉट, मतलब क्या ही बात है यार, MS धोनी से सीखा लगता है ये शॉट, बहुत अच्छा खेलते हैं रोहित शर्मा। ओके चलिए, नेक्स्ट बॉल, नहीं पकड़े गए, 68 पे पकड़े गए। मुझे लगा था कि शायद टाइम थोड़ा गलत कर दिया मैंने, बट स्कोर अच्छा बना के गए। अब यहाँ से अगर ये मुकाबला हमारी टीम हारती ना भाई, तो फिर अब रब भी रखा हमारा जी। बहुत अच्छा स्कोर है, 192 का स्कोर है, एंड फाइनली 130 रन तक ही पहुँचने दिया सामने टीम को, 62 रन से मुकाबला बड़े मार्जिन से जीता है हमने जी। यानी कि 2 मैचों में बचा 1 मैच की विन प्ले ऑफ में जाने के लिए। तो नेक्स्ट मुकाबले तक बढ़ते हैं जी, गली स्टार्स के साथ ही मुकाबला है हमारा, लेट्स सी यहाँ पे भी क्या होता है। तो टॉस जीते हैं, यानी कि इस बार पहले गेंदबाजी आ गई है हमारी या नहीं, और स्कोर बिल्कुल अच्छा खासा कर दिया जी, 152 का। अब देखना होगा रोहित शर्मा और लिटन दास की जोड़ी कितने रन यहाँ पे बना पाएगी शुरुआत में। चलिए जी, फिलहाल तो पहली गेंद, मुझे लगा शायद मिस कर गए हम, लेकिन इतना परफेक्ट टाइम हुआ कि 6 मिल गए इस पे फ्लैट, बहुत बढ़िया। और ये नो बॉल है, और ये कैच भी था, बच गए बाल बाल हम भाई। तो चलिए जी, ये फ्री हिट है, खड़े खड़े खेलेंगे लॉन्गन के सर के ऊपर से, देखते रह जाएंगे सिर्फ प्लेयर्स। जो जीवन दान मिला है उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश है हमारी। देखिए यहाँ पे 6 रन, एक और और एक और नो बॉल, यानी कि एक और फ्री हिट।
नो बॉल फ्री हिट और 4 रन यहाँ पे रोहित शर्मा के खाते में। ओ भाई ये हेलीकॉप्टर देखिए, यॉर्कर थी क्या उठा के खेला है 6 रन के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की और ये भी 6 दे के जाएगी, हेलीकॉप्टर शॉट फिर से 40 रन का महंगा ओवर ये। चलिए अब देखते हैं, अरे लगा था मुझे शायद कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा, बट यार स्कोर तो अच्छा है, मतलब हम अच्छा करके गए हैं। हमारी टीम अब यहाँ से जीतनी चाहिए, हारनी तो नहीं चाहिए एटलीस्ट प्लीज गॉड। और फाइनली भाई बहुत करीब था, 8 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन चलिए फाइनली प्ले ऑफ में जगह पक्की हो चुकी है हमारी टीम की। अब यहाँ से 2 मैच जीतने थे, 2 जीत गए, अभी लास्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं एपिसोड को, नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं नेक्स्ट आने वाले मैच में किस टीम के साथ रहेंगे हमारे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।